हेलो, तुम इंसान के बच्चे नहीं बनते, कसम से आके तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। ना मैंने मूर्तों को कॉल्स क्यों करते हो तुम? शर्म आनी चाहिए तुम्हें कि तुम इतने गुस्से में क्यों हो। और हाँ, वो राबिया किधर है? ओहो सोमी, पता नहीं ये कौन है, राबिया के मोबाइल पर बार बार कॉल्स करके हमें तंग कर रहा है। अरे सोमी, एक तो तुम बहुत बदनी है तो अच्छा, राबिया ये तुम्हारे हाथ से ज्यादा मेरे हाथ भी प्यारा लग रहा है। मेरी हर चीज पे तुम्हारी नजर है। खुद ये बात कर लो। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जान। अरसलान, मेरा बेटा कुर्बान, मेरा बेटा कुर्बान, मेरी जान। कैसी हो अम्मा? मेरा बेटा, शुक्र है कि मैंने तुम्हें देख लिया। आ बेटा, जिस तरह ये मोबाइल के कनेक्शन आपस में जैसे वेव्स कहते हैं अंग्रेजी में, इसी तरह इंसानों का भी आपस में कनेक्शन होता है। इसी तरह बहन का, भाई का, माँ बाप का, दादा दादी का, पोता पोती का कनेक्शन होता है आपस में, और ये कनेक्शन अल्लाह बनाता है। स्वामी, ये तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। हर जगह तो शम्स को मेरे सामने ले आती हो। शम्स अपने बाप की कमाई बैठा है और मैं खुद कमाता हूँ यार। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, यूके चले जाएंगे, अच्छे पैसे कमा लूँगा। तो फिर वहाँ पर तुम एक अंग्रेज भी देख लेना जो तुम्हारी तनख्वाह पर अच्छी तरह गुजारा करे। ज्यादा किसी मत करो, बस चलो, देर हो रही है। ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि तुमने मुझे यहाँ बुलाया? यार, इमरजेंसी तो इसलिए है, ना तुम्हारी सुबह का पता है, ना तुम्हारी शाम का पता है, तुम कहाँ आती हो, कहाँ जाती हो। तुम होते कौन हो मुझसे ये पूछने वाले? देखो स्वामी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करूंगा यार। मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं तुमसे कुछ पूछ सकूं। मेरा बाप अभी जिंदा है, वो पूछ सकता है मुझसे। मेरा शौहर बनने की जरूरत नहीं है, और इतनी इन्वेस्टिगेशन मत करो मुझसे। पहले तो तुम्हें मेरी इन्वेस्टिगेशन बुरी नहीं लगती थी, अब तुम्हें क्यों बुरी लगती है? अभी बहुत बुरा लगता है मुझे, और प्लीज ये बेवक्त कॉल्स मुझे करना बंद करो। सोमी, प्लीज लीव। सर, मेरा मूड खराब कर दिया है। शादी से पहले तुम्हारा ये हाल है, शादी की बात क्या करोगे? तुम अब जा सकते हो। चलो शाबाश, सारा मेरे मूड खराब कर दिया है, प्लीज निकलो यहां से, अब तुम जा सकते हो। रूच, कैसी हो, क्या कर रही हो? भाई आप आ गए? कहाँ जा रही हो, आओ बैठो। भाई मैं रोटी लेने जा रही हूँ। पागल के साथ खा चुका हूँ, यहाँ बैठो। भाई आप एहसान के काम की बात कर रहे थे, वो यूके कब जा रहा है? उम्मीद तो है आजकल में ऑर्डर आ जाएगा उसका, लेकिन बहुत बेवकूफ है, हर वक्त उसके दिमाग पे सोमी सवार रहती है।
दिन रात दिमाग पे सवार रहती है, कभी कहता है जाता हूँ, कभी कहते नहीं जाता। अल्लाह खैर करे। भाई वो उसको प्रपोज क्यों नहीं करता, वो तो उसके रिश्तेदार भी है। वो मेरी बहन, वो अपनी जात में एक सल्तनत है, दोनों का दिमाग खराब। मैंने कहा अगर चाहते हो तो मैं और रूही दोनों चले जाएंगे, तुम्हारा रिश्ता भी मांग लेंगे। और मैंने कहा राबिया को भी साथ ले जाएंगे, एहसान ने राबिया को बहन कहा हुआ है। वो क्या कह रहा है, ये तो ठीक बात है। अल्लाह ही जाने उसके क्या इरादे, मुझे समझ नहीं आई। अगर सोमी एहसान को ना मिली और उसके रिश्ते की बात ना हुई तो वो तो बहुत अपसेट हो जाएगी। वो कहाँ अब होश में है, 24 घंटे सोमी के गम में फिरता रहता है। कितनी मुश्किलों से यूके के लिए राजी किया है, जिंदगी संवर जाएगी, चला जाएगा। फिलहाल तो इरादा किया है, अल्लाह करे इरादा बदल ना जाए। मैं बहुत फिक्रमंद हूँ उसके लिए। हाँ भाई एहसान अच्छा लड़का है, बस ये एक प्रॉब्लम है उसमें। उरूज एक काम तो करो, मज़े की कॉफ़ी तो पिलाओ। अल्लाह खैर करे, बाबा जान कॉल क्यों नहीं उठा रहे, सो रहे हैं या शायद किसी काम से गए। अस्सलाम वालेकुम बीबी गुल। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा। बिल्कुल खैरियत है बीबी गुल, बाहर गाड़ी देखी नहीं, ये फिर तब्दील कर ली। हाँ बेटा, बाबा जानी ने नई गाड़ी खरीदी है। पहले वाली भी बड़े प्यारे कलर में थी, बिल्कुल ब्रांड न्यू थी, कम अज़ कम उसे तो रहने देते। वो कहते हैं कि मैं गाड़ी में बैठ जाऊं तो गाड़ी के डैशबोर्ड की खुशबू ख़त्म हो जाए, तो गाड़ी बदल लेनी चाहिए। तुम्हें ब्लैक कलर नहीं पसंद तो अपने लिए कोई और कलर ले लो। बिल्कुल, मैंने आपकी पसंद पे कभी कुछ कहा है, और आपकी पसंद तो मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखती है। बेटा तुमने अपनी हर खुशी हर अरमान हमारी खुशी के खातिर कुर्बान किया है। बेटा अल्लाह ताला तुम्हारे जैसा फरमा बरदार बेटा सबको दे। वैसे तुम्हारे कोई अरमान कोई ख्वाहिश है जो हम पूरा कर सके। बीबी गुल मेरा कोई अरमान नहीं है, मेरा तो सबसे बड़ा अरमान ये है कि आपकी और बाबा की ख्वाहिशात पूरी करो, आपकी हुक्म दूली ना करो, आपकी हर ख्वाहिश पूरी करो। ये मेरी खुशकिस्मती होगी क्योंकि वालदैन के हुकूक का इस्लाम ने हमें हर जगह दर्ज दिया है, और फिर आपके कदमों में तो मेरी जन्नत है। हाँ बेटा, अल्लाह ताला ने माँ बाप को एक बहुत बड़ा मकाम दिया है, अल्लाह ताला इस मकाम की इज्जत की खातिर इंसान को नेक औलाद से नवाजता है। शुक्र है कि हमारी औलाद बहुत नेक है। आज अंग्रेज वो ट्रैक्टर का क्रेंकर भी खराब है, मिस्त्री दो दफा आया था, क्या करे। हाँ तो ठीक है, बात कर लो उससे, उसे कहो काम शुरू करो, पैसे कम देंगे फिर। हाँ बस ठीक है, हम कुछ दिनों तक पेमेंट कर लेंगे। अच्छा ठीक है खान बाबा, ठीक है। बेटा एक ही तो खान बाबा का फोन है। जी खान बाबा, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो शस्मा। ठीक हूँ खान बाबा, आप कैसे। मैं भी ठीक हूँ, लेकिन ये मुझे कदीम की तबीयत ठीक नहीं लग रही। जी कदीम की तबीयत खराब है, सुबह वो घर से बिल्कुल ठीक ठाक गया है। खान बाबा आपको कैसे पता चला। बाबा जान की तबीयत खराब है। ये क्या कह रही है। ओहो, बात समझने की कोशिश करो, खावन की तबीयत का सुनकर हलचल मचा दी तुमने, पहले बात तो पूरी सुनो। भाई मैं काफी दिनों से करीम को टेलीफोन कर रहा हूँ, वो मेरा फोन अटेंड नहीं कर रहा,
आखिर क्यों? खान बाबा, आपने मुझे डरा ही दिया था। हो सकता है उसका फोन साइलेंट मोड पे हो या फिर किसी मीटिंग में हो। मालूम है मुझे, वो यूरोप में भी बिजी होता है, इधर भी बिजी, इसे बिजी भी। क्यों खान बाबा, क्यों बिजी होगा? अगर वो बिजी हो भी तो भी मैं उसे साथ लेकर आऊंगी। ये दूसरा, ये नालायक ओविद जाता भी है कि नहीं? हाँ जाता है बाबा जानी, ये सब कुछ शम्स का है, और जब हम पाकिस्तान आते हैं तो बस इसकी हेल्प करते हैं। अनपाकी तो सब शम्स का है, और ये अपना काम करता है बाबा जानी। इसके मैं कान खींचूंगा, महीनों महीनों मुझे टेलीफोन नहीं करता ये। मतलब इसमें इतना एहसास नहीं है कि इसको ये मालूम हो कि इसका एक नाना भी जिंदा है। कान खींचूंगी मैं इसके, बिल्कुल खींचूंगी। अच्छा ठीक है, अब मैंने इसलिए टेलीफोन किया था कि फिर आप लोग गांव आ जाएं, तैयारी कर लें, आ जाएं, ठीक है ना? आप लोग आए, कुछ ज़रूरी मामलात आपस में डिस्कस करने। ज़रूर आएंगे, इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। अल्लाह हाफिज़। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़। जंगरेज इस तरह है कि कुछ दो दिनों तक कलीम और शाजमा के घर वाले भी आ रहे हैं, तो फिर तुम इस तरह करो कि एक दो दुम्बों का बंदोबस्त करो, क्योंकि मेरे साथ बच्चे भी होंगे, खुशी भी होगी इधर, ठीक है ना? अच्छा जी। गुड मॉर्निंग शम्स। लगता है आप ऐसे नहीं उठेंगे, आपका इलाज है मेरे पास। यार ये कर्टन्स क्यों खोले हैं? यार ये कर्टन्स मैंने आपके लिए खोले हैं ताकि आप उठ जाएं। सारी नींद खराब कर दी, सुबह सुबह जगा दिया। जिस दिन मेरी छुट्टी होती है दफ्तर से तो मैं देर तक सोता हूँ, क्यों ऐसा किया यार? शम्स मुझे लगता है आप कुछ भूल रहे हैं। इधर आओ। हाँ वाकई मैं भूल गया। वाकई में आप भूल गए शम्स। ये भूलने की बात है, मुझे अच्छी तरह याद है कि तुम्हारी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर राबिया। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। बहुत ज्यादा खुश हूं कि आज तुम्हारी बर्थडे इकट्ठी सेलिब्रेट करेंगे। मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज गिफ्ट भी लिया है, और बाहर जाएंगे, वहां सेलिब्रेट करेंगे। सच्ची? फिर तो बहुत मजा आएगा। जी मैं तो कहता हूं कि बाहर जाएंगे और ब्रंच करेंगे। ठीक है, तुम तैयार हो जाओ और मैं भी फ्रेश होता हूं। ठीक है। हार सलाम, तुमने वो जमीन देखी? हाँ वो दरिया किनारे जमीन मैंने देख ली है, उस पर आलू और मूंगफली की काश्त अच्छी हो जाएगी। अच्छा, और वो सुर्ख डाक की जमीन भी देख ली तुमने? हाँ जी, वो भी जरखेज जमीन है, उस पर भी हर किस्म की फसल होती है। हाँ बेटा, लेकिन वो बारानी जमीने हैं, बारिशें ना हो तो फिर उस पर फसल किस तरह उगाया जाएगा? हाँ वो बहुत अच्छी मकई है, एक डंडी में 12 सिट्टे लगते हैं। हाँ तो हमारी जमीनों पर हो जाए? हाँ क्यों नहीं, हमारी अच्छी जमीनें हैं, हर फसल होती है इस पर। अच्छा अच्छा, ये तो अच्छी बात। हाँ जी खान बाबा, डॉक्टर साहब की कॉल है। करीब है, फिर बात करते। हेलो। हाँ बेटा, डॉक्टर साहब। खान बाबा आप कैसे हैं? आप ठीक हो बेटा? सवा और सोमी कैसी हैं? शुक्र है सब ठीक हैं। राबिया की तरफ कोई ज्यादा भी है कि नहीं, या सब ने मुंह पैर हुए? हाँ हाँ सवा भी जाती है,
और सौवीं बेटा तो हर वक्त वहां पे होती है। हाँ बेटा, बेटियां तो माँ बाप को देख रही होती। शम्स करो ये कैसे? हाँ वो तो बहुत ख्याल रखता है उसका। बहन कैसी है तुम्हारी, वो क्या कह रही है? वो भी उससे बहुत प्यार करती है। हाँ खान बाबा, वो सौमी के रिश्ते के लिए वो रफी के घर से कोई आए थे। कौन सा रफी? हाँ जिसका बेटा इंजीनियर है। हाँ वही इंजीनियर। ज्यादा मत सोचो, अच्छा लड़का, साफ फोन है। बस आपकी इजाजत की जरूरत है, आप आते नहीं हो। मैं कैसे आ सकता हूँ बेटा, पूरे गांव की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। हाँ एक बात याद है। वो क्या खान बाबा? अरसलान आए हैं खैर से, तुम्हें याद कर। हाँ ये बात कर ले। हेलो हेलो, क्या हुआ है? बंद कर दिया खान बाबा। हाँ तुम्हारे आने की है खबर उसको, आ भी जाएगा। बंद कर दिया खान बाबा। नहीं बेटा नहीं, हो सकता है लाइन ड्रॉप हो गया हो, तू परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा, आ जाएगा मेरा बेटा। हाँ नरेश। सबा एहसान अच्छा लड़का है और आगे पीछे कोई है भी नहीं, और सोमी को खुश रखेगा। हाँ जी, एहसान तो कह रहा था कि वो निकाह के फौरन बाद यूके जाएगा, बहुत अच्छी ऑफर मिली उसे। हाँ ये तो सब नसीबों की बातें हैं ना, राबिया को अल्लाह पाक ने अच्छी जगह दे दिया हो, और सोमी को भी एहसान की तरह अल्लाह पाक अच्छा लड़का दे देगा। हाँ बिल्कुल। और हाँ याद आया, एहसान तो कह रहा था कि मंगनी और निकाह एक साथ करेंगे। तो यह तो बहुत अच्छी बात है ना, सब काम एक साथ हो जाएगा। आपको अच्छी तरह इल्म है कि अभी अभी राबिया की रुखसती की है, और इतने ज्यादा पैसे कहाँ से आएंगे? आप बहुत जल्दी नहीं कर रहे? सब आप फिक्र मत करो, मैं स्वामी पर राबिया की शादी से ज्यादा खर्चा करूंगा, और मुझ पे बोझ भी नहीं आएगा। क्या मतलब कि बोझ नहीं होगा? तुम भी बहुत सादा हो, जब राबिया और सौम्या छोटी सी थी ना, और उन्हें जब होश संभाला तो मैंने उनके लिए एक बैंक अकाउंट खोला, और उसमें थोड़े थोड़े पैसे जमा करता था, और मैंने कहा जब जरूरत पड़ जाएगी तो काम आ जाएगा। मैं तो कहती हूँ वालदैन अपने बच्चों के लिए अकाउंट जरूर खुलवाएं, और उसमें थोड़ी थोड़ी सेविंग करते रहे अपने बच्चों के लिए, फिर ये शादियों के बोझ थोड़े कम हो जाएंगे। हाँ ये अकाउंट बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर, शुक्र है मैं अब भी निकाह और रुसती के लिए तैयार हूँ। हाँ ये बताओ तुम्हारी लाडली किधर है? मेरी लाडली आपकी लाडली के घर गई हुई है। एक तो इसने ज्यादा आना जाना लगाया रखा है, टक सलाम अलैकुम और टक सलाम अलैकुम। देखो शम्स क्या कहेगा? कुछ नहीं कहेगा, अपना कजन है, और फिर जब शादी हो जाएगी तो अस्सलाम अलैकुम। मामा कौन आया था? एहसान और उसका दोस्त जफर आया था। किस लिए? तुम्हारे रिश्ते के लिए, वो निकाह और मंगनी एक साथ करना चाहते हैं। तो आप लोगों ने उसे क्या कहा? हाँ बेटा मैंने उनको जबान दे दी है। आपके बाबा ने अगले हफ्ते की तारीख दे दी है। बाबा जान मैं कोई खेलने वाली गुड़िया तो नहीं हूँ कि जिसके साथ शाह मुझे डोली पे रुखसत कर दे। सोमी ये क्या बदतमीजी है, तुम होश में तो हो? मैं तो होश में हूँ, लेकिन जो प्लानिंग आप लोग कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे। मैं संग के साथ शादी नहीं करूंगी। ये तुम क्या फजूल बात कर रही हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ बाबा जान, मैं संग से शादी नहीं करूंगी। सोमी तुम में बड़े और छोटे का कोई न्याज नहीं है, तुम अपने बाबा को जवाब दे रही हो। मैंने भी कह दिया है। तुम अब इतनी बड़ी नहीं हुई हो कि तुम बड़ों के फैसले पर उंगली उठाओ।
तुम तो बड़ी बदतमीज हो। क्या कर रहे हो जवान बेटी पर हाथ उठाओगे? सबाओ, जबान जब लंबी हो जाए उसको हर सूरत में काटने चाहिए। एहसान ने बिल्कुल ठीक फैसला किया है। नेक्स्ट वीक मैं तुम्हारी शादी उसके साथ करूंगा। राबिया, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो बेटे, बस अपना ख्याल रखो। अल्लाह ताला तुम दोनों को नजरी पद से बचाए। आमीन। राबिया बहुत समझदार लड़की है, रिश्तों की कद्र जानती है। और रहा शम्स, उसने सारी जिंदगी तन्हा गुजारी, उसको रिश्तों की अहमियत का अंदाजा नहीं। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं हूं ना, मैं शम्स को सब कुछ बता दूंगी और सिखा दूंगी इसको कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। मुझे पता है बेटा कि तुम शम्स को हर चीज समझा दोगी, लेकिन ये भी पता है मुझे कि तुम सबका ख्याल रखती हो, सबकी इज्जत करती हो, लेकिन अपना ख्याल नहीं रखती हो। अपने आप पे भी ध्यान दिया करो। आप हैं ना जी मेरा ख्याल रखने के लिए। बेटा अब ये तुम्हारा अपना घर है, हम मेहमान हैं, तुम भी अपनी पसंद नापसंद का ख्याल रखा करो। आप अपने बेटे को अच्छी तरह जानते हैं जी। हाँ बेटा, मुझे मालूम है, हर शौहर ये चाहता है कि मेरी बीवी मेरी खुशी के मुताबिक जिंदगी गुजारे, लेकिन फिर भी औरत को चाहिए कि अपनी खुशी भी शामिल रखे। यहाँ पर माशाल्लाह हर चीज पूरी है, फिर इसमें मैं अपनी पसंद का क्या करूं? अच्छा बेटा, अपना हाथ इधर लाओ, ये लो। इसका क्या करूं बेबी बोल? बेटा ये मुझे कलीम की माँ ने दिया था, वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, और मैंने ये तुम्हारे लिए रखे थे और ये तुम्हें दिए हैं। शुक्रिया जी, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत और बहुत ज्यादा कीमती है। एक दुल्हन से ज्यादा खूबसूरत तो नहीं है, लेकिन ये मुझे मेरी सास ने दिए थे, ये वाकई बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बहू तो बड़ी प्यारी लग रही है। अल्लाह बुरी नजर से बचाए, हमारी बहू तो लाखों में एक है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हमारी बहू लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। मुबारक हो। तुम्हारा तो दिमाग खराब है, तुम मुझसे पूछे बगैर मेरे रिश्ते के लिए कैसे आ गए? सोमी, इसमें गुस्से की क्या जरूरत है? अब आपसे पूछ लेते हैं जनाब, अगर आपकी इजाजत हो तो बारात ले आओ। मैं कई बार कह चुकी हूँ मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। जैसा बेहतर जनाब। शट अप, ना ही मुझे कॉल करना, ना ही मुझे मिलने के लिए आना। सोमी आखिर तुम्हारा मसला क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम हो। ओहो सोमी, मैं आज तक तुम्हारे मिजाज को समझ नहीं सका। बिल्कुल सावन के महीने की तरह हो, एक लम्हे में बारिश और दूसरे लम्हे में चला देने वाली धूप, लोग क्या कहेंगे? शट अप, गो टू हेल। हेलो हेलो, या अल्लाह पाक, ये किस पागल से पाना पड़ गया।
आपको पता है मैं जब बाहर जाती थी हफ्ते डेढ़ के लिए मुझे यही फिक्र होती थी कि शम्स अकेला है, उसका ख्याल कौन रखेगा, क्या कर रहा है। लेकिन अब मेरी बहू मौजूद है, अब मुझे पूरा यकीन है कि राबिया मेरे शम्स का ख्याल जरूर रखेगी। और शम्स जी बीबी गुल, तुम्हें भी कह रही हूं, अगर मेरी बहू को तंग किया तो तुम्हारे कान खींचूंगी। शिकायत का मौका नहीं मिलेगा जी, हमारा बेटा ऐसा नहीं है, बहुत फरमाबरदार है। बाबा जानी, अगर मुझे अंदाजा होता कि मेरी शादी से आप सब लोग इकट्ठे होंगे तो ये शादी मैं 10 साल पहले करता। इंशाल्लाह हम उमरा अदा करके सीधा डेनमार्क चले जाएंगे, पार्टनर के साथ मीटिंग भी कर लूंगा और सारा कारोबार उसे सौंप दूंगा, और जो घर है उसे रेंट आउट कर लूं, और फिर हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान आ जाएंगे। ये तो आपने काफी अच्छा फैसला किया है, मैं भी यहाँ शम्स के पास शिफ्ट हो जाऊंगी, इससे घर में रौनक भी आ जाएगी, और अल्लाह ने अगर मेहरबानी की पोता पोती से नवाजा तो उसके साथ भी खुशी से वक्त गुजारेंगे। और फिर सुबह और शाम मैं आप लोगों के लिए मजे मजे के खाने बनाऊंगी। रबिया बीबी, ये ना आप मेरी छुट्टी करा दे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझ पर रहम करना। नहीं नहीं, आप भी मेरी बहन जैसी हो, हम मिलकर इन सब की खिदमत करेंगे, आप हमेशा मेरे साथ रहेंगी, ठीक है? अल्लाह आपका भला करे, आपने मुझे बहन कहा, वरना मैं तो घर की नौकरानी हूँ। मेरा ख्याल है हमें अब निकलना चाहिए, पहले लेट हो चुके हैं, चलो चले। और बेटा अपने घर का खूब ख्याल रखना। जी, अल्लाह हाफिज़। घर का ख्याल रखना और बहू का भी। जी जी जरूर। सईद, याद से सारा सामान रख दिया? जी जी रख दिया। ये भी लो। ये तुम कैसी माँ हो? तुम्हें ये तो दिख रहा है ना, उसकी बात से इनकार किया है, उसे पूछा नहीं है, और तुम्हें ये नजर नहीं आ रहा कि उसके बातों से बगावत की बू आ रही है, और तुम्हें नहीं पता कि वो क्यों इनकार कर रही है। अच्छा बस ठीक है, ज्यादा टेंशन मत लो, अपनी तबीयत खराब कर लोगी। तबीयत? सबब, उसने तो मुझे बहुत बेइज्जत कर दिया है, इन बातों से आतार वालों को पता चला तो बहुत बदनामी होगी। मैं समझा दूंगी, क्यों इनकार करेगी? तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम उसे समझाओगी और वो आसानी से बात जाएगी? सबर नहीं, ये लड़की हमारे हाथ से निकल रही है, संभालो इसको, इसको लगाम दो, समझाओ उसको। अच्छा रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स हो जाओ, इस तरह तो तुम अपना बीपी बढ़ा लोगे। तुम रिलैक्स होकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए अदरक और दालचीनी का कावा बनाकर लाती हूँ। ठीक है। स्वामी, तुम इस रिश्ते से इनकार क्यों कर रही हो? मेरी मर्जी, और मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। और तुम्हारे माँ बाप? अपना काम करेंगे वो। उन्होंने मुझे जुबान दी है, और पठान अपनी जुबान पर जान देते हैं या फिर किसी की जान लेते हैं। तुम मुझे धमकियां दोगे? वो पठान मनो मट्टी तले दब गए हैं, जो खैरत के नाम पर कत्ल किया करते थे। मगर मुझमें अभी भी गैरत है। स्वामी, तुमने मेरे साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, इतनी आसानी से तुम मुझे कैसे छोड़ सकती हो? तुम तो मुझसे ऐसे सवाल कर रहे हो जैसे मेरे शौहर हो। ऐसे सवाल तो शौहर बीवियों से भी नहीं करते।
अब तक तो तुम मेरी बीवी नहीं थी, मगर अब मैं तुम्हें बीवी बनाऊंगा। ये शौक भी पूरा कर लो, लेकिन पूरा नहीं होगा। सोमी, मेरे सबर का इम्तिहान मत लो। मैंने तुमसे कहा है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी और इस रिश्ते से तुम इनकार करो। तुमने तो इस रिश्ते से इनकार कर दिया, तुम्हें क्या मिला इससे? देखो एहसान, अगर तुमने इस रिश्ते से इनकार नहीं किया ना, मैं घर से भाग जाऊंगी। घर से चली जाओगी तो कहाँ जाओगी? मुझे बताओ सोमी, आखिर वो है कौन जिसने तुम्हारे और मेरे दरमियान में इतनी नफरत पैदा कर दी है और तुम्हारी आंखों पे उसने नफरत की पट्टियां बांध दी हैं? सोमी ये बताओ, कौन है वो? आखिर कौन है वो? दफा हो जाओ यहाँ से, तुम्हारी हरकतों की वजह से मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। से शादी नहीं करूंगी। सोमी, तुम में बड़े और छोटे का कोई लिहाज नहीं है, तुम अपने बाबा को जवाब दे रही हो। मैंने भी कह दिया है। तुम अब इतनी बड़ी नहीं हुई हो कि तुम बड़ों के फैसले पर उंगली उठाओ। तुम तो बड़ी बदतमीज हो। क्या कर रहे हो, जवान बेटी पर हाथ उठाओगे? सबा जब लंबी हो जाए उसको हर सूरत में काटनी चाहिए। एहसान ने बिल्कुल ठीक फैसला किया है। नेक्स्ट वीक मैं तुम्हारी शादी उसके साथ करूंगा। से ऐसे सवाल कर रहे हो जैसे मेरे शोहर हो। ऐसे सवाल तो शोहर बीवियों से भी नहीं करते। अब तक तो तुम मेरी बीवी नहीं थी, मगर अब मैं तुम्हें बीवी बनाऊंगा। ये शौक भी पूरा कर लो, लेकिन पूरा नहीं होगा। सोमी, मेरे सबर का इम्तिहान मत लो। मैंने तुमसे कहा है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी और इस रिश्ते से तुम इनकार करो। तुमने तो इस रिश्ते से इनकार कर दिया, तुम्हें क्या मिला इससे? देखो एहसान, अगर तुमने इस रिश्ते से इनकार नहीं किया ना, मैं घर से भाग जाऊंगी। मामा जानी, आपने इतनी इमरजेंसी में हमें क्यों बुलाया? तुम दोनों बहुत याद आ रहे थे, इसलिए बुलाया। आप मुझे कॉल करती, मैं ड्राइवर भिजवा देती, वो घर ले आता आपको। तुम दोनों का आना जरूरी था, खुशखबरी है। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा माशाल्लाह। हाँ बेटा, सोमी और एहसान की बात पक्की हो रही है। मुबारक हो। आपने अगर हमें कहा होता तो हम साथ मिठाई भी लेके आते। मिठाई भी आ जाएगी, इसलिए तुम दोनों को बुलाया है कि अब तुम सब कुछ संभालो। वल्ला आलम, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही, सोमी उल्टा सीधा बोल रही है। अब सोमी क्यों इनकार कर रही है? वो तो ही तुझे पसंद करते थे। एहसान तो कह रहा है इस हफ्ते शादी की तारीख दे दे। खैर है मम्मा जानी, एहसान को एटीट्यूड दिखा रही है ना। हाँ बेटा, अल्लाह तुम्हारी जुबान मुबारक करे। मैं तो थक गई उसे समझा के, अब तुम ही उसे समझा दो। अच्छा चले, खुद को डिस्टर्ब ना करें। जहाँ पर प्यार मोहब्बत हो वहाँ थोड़े बहुत मसाइल तो चलते हैं। मैं सोमी को समझा दूँगी, मैं एहसान को भी समझा दूँगी। हो सकता है आपस में किसी वजह से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो। आप फिक्र ना करें, मैं दोनों को समझा दूंगी। अच्छा अच्छा बेटा, तुम चाय पियो, मैं सोमी को बुलाती हूँ। ठीक है मामा जान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम लोग रबिया, कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक, तुम कैसी हो? मैं ठीक ठाक शुक्र है। माशाल्लाह, वो प्यारी लग रही हो। अच्छा, और सुनाओ कब आए आप लोग? हम तो काफी देर से बैठे हुए हैं, तुम कहाँ गायब थी? मैं जरा ऊपर थी टेरेस पे। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें, अब तुम मेरे जख्मों पे नमक छिड़क रही हो। क्या मतलब? मैं तो ये समझती थी कि तुम खुशी से फूले नहीं समाओगी। मुझे जबरदस्ती घर से निकाल रहे हो या मुझे राजी करने आए हो? मेरी एक बात सुनो, मैं कहीं नहीं जा रही।
तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मेरी बहन को इस घर से जबरदस्ती कोई नहीं निकाल सकता। शम्स, आप भी मामा से बात कर लो ना। ठीक है जी, मैं भी कर लूंगा। तुम लोग बहन बेटी को जूते के नोक पर रखते हो। अल्लाह ने उसको पैदा किया है, वो इंसान है। क्या सिर्फ बेटा इंसान है? उसके अपने हकूक है। अल्लाह ताला ने उसको इंसान बनाया तो उसको जज्बात भी दिए हैं, उसके भी एहसास हैं। आप लोग बेटे का हक मानते हो लेकिन बेटी का नहीं। जब अल्लाह ने ये हकूक दिए तुम भी दो। मामा जी, इससे पूछो, इसे बहुत फिक्र है स्वामी की। ये मुझे बताए कि इसका स्वामी के साथ क्या रिश्ता है। करे लफ भी और मुंह से निकाला, माफी मांगो इसे, माफी मांगो। माफी और ऐसे लोगों से? मामू जी, ये लोग इस काबिल नहीं कि इनसे माफी मांगी जाए। ऐसा तुम अपनी हद नहीं जानते, निकल जाओ इस घर से। मैं कहती हूं निकल जाओ, मैं कहती हूं जाओ ना।